पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बहामती आजाद तजारत के मनसूबे की राहें हमवार हो गई हैं। माशी और तजारती ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए एक नया इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा भी सामने आ गया है। पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम जारी है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद इस्तांबुल कॉरिडोर पर भी बातचीत शुरू हो गई है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान नए कॉरिडोर की बात की गई है। इस्लामाबाद के दौरे पर आए तुर्की के वजीर खारजा ने इस हवाले से बात की। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बाहमी आजाद तजारत के मनसूबे की राहें हमवार हो गई हैं। पाक चाइना कॉरिडोर पर काम जारी। एक नया कॉरिडोर सामने आने को। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इक्तिसादी राहदारी के लिए भी बात होने लगी। तुर्की के वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में कह दिया, इस्लामाबाद इस्तांबुल कॉरिडोर पर काम होगा। पाकिस्तान और तुर्की भाई भाई, लेकिन तिजारती और मुआशी ताल्लुकात महदूद। वजह नकल और रसद का मसला, जिसका हल इस्लामाबाद इस्तांबुल कॉरिडोर होगा। पाकिस्तान और तुर्की आजाद तिजारत के माहदे के भी करीब पहुंच गए। We consider early signing of the free trade agreement between Pakistan and Turkey as an important milestone in our bilateral relation and would greatly expand trade between the two countries once this agreement is finalized, hopefully in the next few weeks. तुर्क वजीर खारजा कहते हैं रवां साल सितंबर तक आजाद तिजारत के मुहैदे पर दस्तखत हो जाएंगे। इंक्रीजिंग आवर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस अ प्रायोरिटी फॉर बोथ ऑफ अस बोथ साइड्स एंड वी रिव्यू स्टेप्स टू बी टेकन इन दिस डायरेक्शन। वी आर होपिंग टू साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इन दिस ईयर, होपफुली इन सेप्टेम्बर और लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। पाकिस्तान और तुर्की ने इस्तांबुल ट्रेन सर्विस भी शुरू करने का फैसला कर लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी।